हमारे मुमरा शहर में पहली बार क्रिकेट कोचिंग स्टार्ट हुई है, जिसके कोच खुद जावेद जैस खान है, जो कि मुंबई रणजी ट्रॉफी के बड़े खिलाड़ी है। जावेद ने रणजी द गॉड ऑफ क्रिकेट यानी सचिन तेंदुलकर के साथ खेली है। जिस वक्त और भी बड़े खिलाड़ी पिच पर उतरे हुए थे, जावेद जैस ने बीड़ा उठाया है कि यूथ को क्रिकेट से जोड़ा जाए। कोचिंग मुमरा के जेके टर्फ में ही की जाएगी। ये टर्फ ऑल सीजन टर्फ है। स्कूल और ग्रुप कोचिंग भी की जाती है। मुमरा पुलिस स्टेशन के डिटेक्शन ब्रांच के PSI हर्षद काले ने 3 अलग अलग मामलों में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से नशीला पदार्थ बरामद किया गया है। गुप्त जानकारी के आधार पर ये कार्रवाई की गई थी। इनके पास से बड़ी मात्रा में नशीला पदार्थ मिला है। गिरफ्तार आरोपी ये मुंबई और मुमरा के रहने वाले हैं। आरोपियों के नाम हैं राबिया यूनुस शेख 25 वर्षीय और सैयद रिजवान अली 30 वर्षीय, अख्तर उजू अली ईरानी 42 वर्षीय, अल्ताफ हुसैन मोहम्मद नबी शेख 32 वर्षीय, साहिल बख्श अंसारी 32 वर्षीय है। इन पांचों आरोपियों को मुमरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इनके पास से करीब 6 लाख रुपए के नशीला पदार्थ बरामद किया गया है। ACP वेंकट आंझले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या जानकारी दी है, सुनिए। मुमरा पुलिस स्टेशन में आपको मालूम है कि एक NDPS के खिलाफ में, ड्रग्स के खिलाफ में एक स्क्वाड के बनाए वाला है और खुद PI साहब, सीनियर PI साहब आपके चौरे साहब जो है मार्गदर्शन कर रहे हैं और वहाँ के हेड काले PSI साहब को बनाए हैं और आपको मालूम है गए 3-4 महीने से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये हफ्ते में उन्होंने 3 केसेस बनाए हैं, उसमें से उनके टीम ने जो केसेस बनाए ये हफ्ते की बता रहा हूँ मैं आपको। 3 केसेस है। पहला एक केस है, उसमें 1 किलो गांजा और 800 गोले है अल्पा झोलन बोल के, ऐसा उन्होंने, और उसमें 3 आरोपी को अटक किया है, अख्तर ईरानी, अल्ताफ शेख, पाकिजा ईरानी फरार है और शफीर ईरानी फरार है। 4 आरोपी दोनों को अरेस्ट किया, 2 फरार है। इसमें 50,000 रुपये का माल उन्होंने जब्त किया है पूरा गांजा और गोली मिला के। दूसरी जो केस की है वो है MD की, वो 55 ग्राम MD पकड़ा है और वो 2 आरोपी को अरेस्ट किया है। उसमें एक राबिया शेख बोल के जो माजगांव से इधर गांजा के लिए आई थी और यहाँ की एक आरोपी है सैयद अली बोल के, ये दोनों ने मिलकर दोनों को भी अरेस्ट किया है और उनके पास 5.5 लाख रुपए का पूरा मुद्देमाल मिला है। तीसरी जो केस है वो भी गांजा की है, उसमें 2 किलो गांजा पकड़ा है और 2 किलो गांजा पकड़ के उसमें 2 जनों को अरेस्ट किया है, साहिल अंसारी और एक महिला है, एक क्वार्टर वो अभी फरार है, वो उसमें भी 31,735 रुपये का माल जब्त किया है। टोटल अभी तक 3 केसेस बनाए हैं NDPS के और उसमें 6,631,735 रुपये का माल जब्त किया है।